नमस्कार बच्चों, इस वीडियो में हम यूनिट नंबर 1 का कंपाउंड वर्ड्स पढ़ लेते हैं। कंपाउंड वर्ड्स क्या होता है? कंपाउंड वर्ड्स दो शब्दों से मिलकर बनता है, और जो नया शब्द बनता है उसकी मीनिंग पहले और दूसरे शब्दों से बिल्कुल अलग होती है। और जो ये फर्स्ट शब्द और जो सेकंड शब्द है उनकी खुद एक इंडिपेंडेंट मीनिंग होती है, इस बात को याद रखें। चलिए सॉल्व करते हैं। चूज द करेक्ट कंपाउंड वर्ड फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव्स इन द सब क्वेश्चन। ठीक है, अब देखिए इसमें दो वर्ड बनता है, इन और डायरेक्ट। बराबर, इन एक प्रीपोजिशन है। यहाँ पे आपको नाउन चाहिए या तो वर्ब चाहिए या तो एडजेक्टिव चाहिए, तो ये नहीं चलेगा। ठीक है, इसमें कोई दो वर्ड बनी नहीं रहा, इसमें कोई दो वर्ड बनी रहा। इसमें देखिए काव और बॉय, काव और बॉय दो शब्द हैं, जिसमें काव का मतलब गाय, बॉय का मतलब लड़का, और काव बॉय दो वर्ड से मिलकर बना काव और बॉय, तो इसका ये कंपाउंड वर्ड हो गया है। नेक्स्ट, डिसबिलीव, फॉरगिवनेस, रेस हॉर्स, गोइंग थ्रू, तो इसका आंसर क्या हो गया? रेस हॉर्स, क्योंकि रेस और हॉर्स दो शब्द हैं और दोनों के अपने अपने मीनिंग हैं। एंकरेजमेंट, कामनेस, हैंडीकैप, फुट हिल्स, फुट हिल्स इसका आंसर है, क्योंकि फुट और हिल्स। हाई स्पीड, अपीलिंग, मोमेंट्री, वॉक स्लोली, हाई स्पीड, कभी कभी कंपाउंड वर्ड्स हाइफन से जुड़ा होता है। पर्टिकुलरली, बिटवीन, ग्रीनरी, जेंटलमैन, जेंटल और मैन, जेंटलमैन। अकाउंटेंट, हेडेक, वर्कर, स्टीयरिंग, हेडेक, हेड और एक सर दुखना। कोल्ड क्रीम, ड्रिंकिंग, जंबल्ड, इन्वर्टेड, तो यहाँ पे आएगा कोल्ड क्रीम। ठीक है, नेक्स्ट, कॉरुगेटेड, स्प्लेंडर, अटेंटिव, स्टीयरिंग व्हील, स्टीयरिंग व्हील। एक्सपेंसिव, फॉल्ट फाइंडिंग, रिसेप्शन, रेस्लिंग, फॉल्ट फाइंडिंग। चूज द करेक्ट कंपाउंड वर्ड इन ईच सेंटेंस फ्रॉम द गिवन बिलो। ही वॉज अ वेल बिल्ट, देखिए हाइफन आ गया ना, वेल बिल्ट, हाइफन वाले शब्द। द मून लाइट गेव अ सिल्वरी ग्लो टू द एंटायर प्लेस, मून लाइट। द यंग बॉय एंड हिज रूम मेट, रूम मेट, डिस्कोर्स क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि जो डिस है ना बेटा, एक प्रीफिक्स है। द किंग फेल दैट अ मोस्ट सेल्फ अप्रोच, ये देखिए ना हाइफन वर्ड, फटाक से पहचान जाइए फास्ट। फाउंड अ लाइफ स्टाइल, लाइफ और स्टाइल, लाइफ स्टाइल। ही वोर अ डैश, रेन, रेन के साथ क्या आएगा, रेन कोट। द टूरिस्ट स्पेंड द एंटायर वीक साइट, साइट के शब्द क्या बनता है, साइट सीइंग। द यंग एंटर हैड अ लॉट ऑफ सेल्फ, सेल्फ क्या, कॉन्फिडेंस। द रेसिपी टूक द टोल्ड द रेसिपी टोल्ड द कुक टू एड 1 टेबल स्पून, टेबल स्पून ऑफ शुगर। द थीफ जम्प इन टू द स्विमिंग पूल। द पोलिस कार ओवरटेक, ये जो जनरल शब्द है आपने सुना होगा सब। द लिटिल पप्पी लुक एट द माउथ डैश पीस ऑफ केक लॉन्ग, माउथ वाटरिंग, मतलब जिसको देख कर मुँह से पानी आ जाए, माउथ वाटरिंग। द यंग मदर वॉन्टेड अ बेबी डैश टू लुक आफ्टर द चाइल्ड, बेबी सीटर, यानी पिता जी माता जी दोनों काम पे जा रहे हैं, घर में कोई बुजुर्ग नहीं है बच्चों को देखने के लिए, तो उन्हें एक बच्चों के देखभाल करने वाली चाहिए होता है, जिसको बेबी सीटर बोलते हैं। द थीफ वॉज अफ्रेड दैट इज प्लान टू बैक फायर। चूज द करेक्ट वर्ड फ्रॉम द अल्टरनेटिव, वी विल फॉर्म अ कंपाउंड वर्ड विद द गिवन वर्ड इन सब। कैंडल बोर्ड नहीं, ब्लैक बोर्ड होता है, कैंडल गम नहीं होता, चूइंग गम होता है, गम के साथ चूइंग गम आता है। ठीक है, चेयर के साथ रॉकिंग चेयर आता है, जो चेयर होता है ना भूतों के पिक्चर में होता है वैसा, तो कैंडल स्टिक। ओके, प्ले, प्ले के साथ आता है प्ले ग्राउंड। ओके, डोर, डोर के साथ आता है डोर मैट। चूज द करेक्ट कंपाउंड वर्ड
प्रूफ अगेंस्ट फायर, फायर प्रूफ। ड्रीम ड्यूरिंग द डे, दिन में देखना, डे ड्रीम, डे ड्रीम्स। इस तरह कंपाउंड वर्ड आपका कंप्लीट होता है। स्मार्टली वर्क करो बच्चों। वीडियो देखने के लिए बहुत धन्यवाद। जय हिंद।